अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब ठीक ठाक हों, खुशबाश हों। जैसा कि आप सबको पता है कि ये कुकिंग का चैनल है, लेकिन कभी कभी मैं इसमें लाइफ और प्लेसेस जहाँ पे भी मैं जाऊँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही हिस्टोरिकल सी जगह दिखाने वाली हूँ। आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली गेट। आप सबको पता होगा लाहौर के 13 दरवाजे हैं, जिनमें से ये एक है। बाकी 7 तो ख़त्म हो चुके हैं, उनका नामो निशान नहीं बाकी, लेकिन बाकी 6 दरवाज़ों में से जो कुछ बेहतर हालत में हैं, उनमें से एक ये दिल्ली गेट है। इसको दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता था कि इसका रुख जो है वो इंडिया के शहर दिल्ली की तरफ है। इसी तरह से एक गेट का नाम कश्मीरी गेट है, उसका रुख जो है वो कश्मीर की तरफ है, इसलिए वो कश्मीरी गेट कहलाता था। मुझे तो हिस्टोरिकल चीज़ें और हिस्टोरिकल जगहें हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगती रही हैं। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी ये जगह। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पे आई थी। हमारे लेफ्ट साइड में है शाही हमाम, जो कि मुझे बाद में पता चला, मैं इसको विज़िट नहीं कर सकी। और राइट साइड पे ये सारा बाज़ार है। और यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है अकबरी मंडी। बहुत ही खूबसूरत मंजर, इसको झरोंके बोलते हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग में नज़र आ रहा है, अभी बिल्डिंग्स में टेरेस होते हैं, पहले ज़माने में इनको झरोंके बोलते थे। आप सोचें, जब यहाँ पे बाजार नहीं था और ये जगह अपनी असल हालत में आबाद थी, तब क्या मंजर होता होगा, लोग कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे। और अभी आप सामने देख रहे हैं मस्जिद वजीर खान। बहुत ही खूबसूरत, तारीखी और बड़ी मस्जिद है ये। और अभी हम जाएंगे मस्जिद के अंदर।
मस्जिद के सहन में ये एक दरबार भी है जो कि सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ है, लेकिन एक कब्र ऊपर भी है। सबका अपना अपना अकीदा है, हमने सोचा हम भी फातिहा ख्वानी कर लें। कुछ लोग यहाँ पे रेगुलर आते हैं और बहुत ही अकीदत रखते हैं दरबारों से। मेरे साथ मेरी दो खालाएं हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से कमरे हैं, शायद ये मस्जिद में काम करने वालों के इस्तेमाल में थे। और अभी हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं।
और ये है मस्जिद के सामने एक छोटा सा सहन, और इसके बाहर ये सारा बाजार बन चुका है। रोज़ी कमाने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक जुल्म है मासूम परिंदों को यूं कैद करके रखना। और इनमें बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो कि शायद दोबारा कभी उड़ भी ना सके, इस तरह से एक साथ छोटी सी जगह में कैद होने के बायस। ये है यहाँ के फेमस भटूरे, ये लाहौर के फेमस खाबों में से एक फेमस डिश है। इसको चनों के साथ और अचार के साथ यहाँ पे सर्व करते हैं, और साथ में है थोड़ा सा सलाद। और ये है यहाँ की फेमस भटूरों वाली गली, इसके अंदर भी एक अलग ही दुनिया है। आपके साथ अगर कोई इस जगह को जानने वाला नहीं है तो आकर यहाँ पे घूमना यकीनन है। लच्छी का सूट ले लो, आ जाओ। नहीं 400 नहीं आएगा, नहीं होएगा, मेरे अंदर मत, मेरा भी अंदर आएगा। ले ले ना, तो करते हैं पहले पास कर दे। हां ये मैं